किसी भी एक्टर के लिए सबसे मुश्किल पल वही होता है जब उसे स्क्रीन पर अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं। इरफान खान, नील नितिन मुकेश, जॉन अब्राहम के बाद अब रणबीर कपूर भी ये कारनामा कर चुके हैं। संजू के ट्रेलर आने के बाद इस समय चारों तरफ सिर्फ रणबीर कपूर की ही चर्चा है। रणबीर जिस फॉर्म में वापस लौटे हैं, लगता है कि वो सेंचुरी मार कर ही रहेंगे। संजू में रणबीर कपूर ने जो न्यूड सीन दिया है, उसे करना कितना मुश्किल था बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड पर चर्चा और मैं हूं शशांक। संजू के ट्रेलर आने के बाद फिल्म की शूटिंग के दौरान के कई किस्से सामने आ रहे हैं। लोग रिलीज से पहले ही इसे ब्लॉकबस्टर फिल्म बता रहे हैं। फिल्म में पंडित तो रणबीर कपूर की तारीफ करते नहीं थक रहे। दरअसल ये न्यूड सीन की कहानी बिल्कुल असली है। बम ब्लास्ट में फंसे संजय दत्त को पूछताछ के लिए जब पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है तो वहां उनके सारे कपड़े उतरवा कर तलाशी ली जाती है। इस सीन में रणबीर कपूर पूरी तरह से न्यूड दिख रहे हैं। संजू के ट्रेलर लॉन्च पर रणबीर कपूर से पूछा गया कि उन्हें इस न्यूड सीन को करने में कितनी मुश्किल आई, तो रणबीर ने कहा कि वो तो अपनी पहली फिल्म सावरिया में ही न्यूड हो गए थे। फिल्म के एक गाने में उनका तौलिया गिर गया था। इसके बाद रणबीर ने कहा कि वो निजी जिंदगी में बहुत शर्मीले हैं, ज्यादा पब्लिक देखकर वो शर्मा जाते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है वो सब भूल जाते हैं। न्यूड सीन देते समय भी ठीक ऐसा ही हुआ। रणबीर ने एक टेक में ये पूरा सीन किया। वाकई इस बात में कोई शक नहीं कि रणबीर ने संजय दत्त के किरदार में ढलने के लिए पूरी जान लगा दी। फिलहाल संजू 29 जून को रिलीज होगी, उसके बाद ही दर्शक बताएंगे कि रणबीर पास हुए या फेल। टेलीविजन और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।